दिशान भाई, मुल्की हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। बिल मैं कहना के डबल से भी तीन तीन गुना ऊपर चले गए हैं, और मजबूरियों से लोग मारे होते हैं। घर का खर्चा होता है उनका 2,000 डेली का, वो 1,000 लेके जाते हैं। तो उनके लिए ये बम्पर ऑफर ये लेकर आए हम कि पूरी दुनिया में इंशाल्लाह हमारी बहने भाई वो भूखा नहीं मरेगा। तो ऐसा ये बिजनेस है, इस बिजनेस से मैं कहता हूं कि इत्याद में है, कस्बे में है, जहां भी है, बाहर के बरानू में मुल्क में भी है, वो भी यहाँ पर बैठकर अपना बिजनेस कर सकता है। ये दुनिया बदलने वाला एक बिजनेस है। ये घरों के बिल, और आपको पता है एक बंदा कमाने वाला होता है घर में, घर में खाने वाले 6-7 अफराद होते हैं आपके। तो इसी तरह ही किचन हमारी बहनें भी चला सकती हैं, भाई भी चला सकती हैं, स्टूडेंट लड़कियां भी चला सकती हैं, लड़के भी चला सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में ये बिजनेस बहुत अच्छा है, और जिस लोगों के पास क्रेट और मुर्गियां हैं भी हैं दिशान भाई, वो भी आपके वीडियो में कह देता हूँ, वो भी मुझे चूजा दे सकते हैं। 10,000 भी चूजा आ जाए ना एक दिन में, मैं देने के लिए तैयार हूँ। उसका मतलब जितना मर्जी चूजा हो जाए, 10,000 एक दिन का मैं खरीदने के लिए तैयार। अच्छा कशिफ, ये बताओ जो पैकेज 1 लाख रुपए का है उसमें क्या दिया जाएगा लोगों को? सर जी, उसमें 2 मुर्गियां और 1 मुर्गा ग्रेटन का दिया जाएगा, 1 लंबर इंडोनेशियन ब्रीड दी जाएगी दोस्तों को, और साथ में अंडे वाली मशीन और ब्रूडर साथ में गिफ्ट दिया जाएगा, और साथ में इंशाल्लाह हमारी हर महीने की कुरानदादी होती है उसमें उनको शामिल कर लिया जाएगा। छोटे मोटे इनामात होते हैं, उमरा पैकेज हो गया, इसमें और भी हो गया, हर महीने की महीने कुरानदादी करेंगे इंशाल्लाह, तो इसमें ये शामिल करेंगे। अच्छा, और अब ये 2500 रुपए का 5 से 6 दिन का चूजा मैं इनसे बाय करूंगा इंशाल्लाह। वापस 2500 रुपए का लेंगे? 2500 का। अच्छा, अब ये बताएं कि जो 2 मुर्गियां बंदा रखेगा वो 2 मुर्गियां 1 महीने में कितने बच्चे आ जाएंगे उनके पास? अंदाजा 1 महीने में 2 मुर्गियों के 1 महीने में बच्चे उनके पास आ जाएंगे? कम से कम सर, जो सी एक मुर्गी होती है वो महीने के कम से कम 20 से 22 अंडे देती है, दे देती है। ग्रेटर चलें 20 कर लें, 20 अंडे कर लेने, 20 अंडे कर लेते हैं, 20 में से 15 बच्चे निकल आए। हाँ जी, 15 अंडे, 30 बच्चे हो गए टोटल, 2 मुर्गियों के 30 हो गए। हाँ जी, 30 बच्चे, 30 अगर होते हैं तो वो वापसी 2500 के हिसाब से आपके पास आ जाए जी, वो 75,000 75,000 बनता है सर। लें जी, मुकम्मल आपको समझा दिया कि 1 लाख रुपए का बिजनेस प्लान है जिससे आप हर माह आसानी से घर रहते हुए, आप बच्चे हैं, आप खवातीन हैं, आप बुजुर्ग हैं, आप कोई भी हैं, आप अपने घर में रहते हुए 1 लाख रुपया लगा के महाना 75,000 रुपया काशिफ साहब से लेते जाएं। आपको पेमेंट देना इनकी जिम्मेदारी है, आपका बर्ड खरीदना इनकी जिम्मेदारी है, वो इस बर्ड को आगे जहां मर्जी दें वो इनकी मर्जी, आपको आपका 75,000 रुपया 30 चूजों का मिलता रहेगा। अच्छा काशिफ, ये तो हो गया ग्रे टंग की बात, अब ब्लैक टंग की तरफ आए, वो जरा समझाएं दोस्तों को, उसके क्या मामला है? सर, ब्लैक टंग काली जुबान वाली जो प्योर इंडोनेशियन है, हम उसका चूजा हम दे रहे हैं सर, जो सर उसका चूजा ले रहे हैं 4,000 रुपए का, वापस ले रहे हैं लोगों से। लेंगे, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अगर कोई वो ट्रायो खरीदना चाहे साथ में, वो सर हम देंगे 80,000 रुपए का पीस, 80,000 रुपए का पीस पर पीस, उसके साथ भी ट्रायो के साथ हम 80,000 रुपए का पर पीस देंगे, और उसके साथ भी अंडे वाली फुल ऑटोमेटिक अंडे वाली मशीन, 100-150 अंडे वाली मशीन फुल ऑटोमेटिक, ब्रूडर और ब्रूडर साथ गिफ्ट करेंगे, ये साथ गिफ्ट में ये भी इंशाल्लाह। चलें बेहतरीन, इसका भी 1 हफ्ते का चूजा हम लेंगे 4,000 रुपए का। अच्छा, अब ये मुर्गी कितने अंडे देगी महीने में और बच्चे कितने हो सकते हैं इसके? ये कम से कम सर जो सी होती है, एक मुर्गी कम से कम 15 अंडे देती है महीने, एक महीने में, एक महीने में अगर 10 बच्चे भी बच जाए या 15 से 12 निकल आए, कम से कम अगर 2 मुर्गियां और 1 मुर्गा हो ना सर, तो इसमें कम से कम आपके 30 चूजों में कम से कम 20 चूजे निकल आते हैं, 20 आपके चूजे, 80,000 रुपया इसकी प्रॉफिट आप महाना है, 80 इससे भी आप कमा सकते हैं। चलें जी, बेहतरीन हो गया, बड़ा बेहतरीन। अब काशिफ जरा अपने जरा अय्याम सुमानी के बारे में बताएं कि आपका क्या चल रहा है, लोगों के जो पेमेंटों का मामला है, क्या आप लोगों को पैसा दे रहे हैं? अगर दे रहे हैं तो लोग आज तक आपसे कितना पैसा ले चुके हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग आए हैं, अभी तो 6 लाख थे, कुछ और भी आशा था आगे भी लाखों में हजारों में बढ़ रहे हैं लोग, हमारी बहनें भी बढ़ रही हैं, भाई भी बढ़ रहे हैं, माशाल्लाह बहुत सारे लोग हैं जो मेरे साथ काम कर रहे हैं अभी तक। लेकिन कितना पैसा आपके ना बांट चुके हैं? जी जी शान भाई, अभी तो मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं की, कम से कम कोई करोड़ों में या अरबों में काम कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है कि काम कर रहा हूँ, अभी भी जा रहा है, अल्लाह का शुक्र काम कर रहे हैं। लेकिन मेरी तरफ से देखकर और भी लोग हैं जो ये काम निजाम करेंगे इंशाल्लाह, जिस तरह मैं आप ट्रायो दे रहा हूँ वो भी लोग देंगे। चले इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। लेकिन वो मेरी तरफ से, क्योंकि देखकर वो कहते हैं कि यहाँ भी ढोल बजेगा वहां भी बजेगा, तो इसी तरह वो भी पैकेज इंशाल्लाह वो भी चेंज करेंगे लोग, कोई मसला। मेन अल्हम्दुलिल्लाह काशिफ फार्मिंग हाउसमान के पास मार्केट है, तो जो भी ये काशिफ फार्मिंग हाउसमान जहाँ से ये नया रेट निकालता है ना, तो दूसरे भी लोग इंशाल्लाह निकालेंगे। ये आपके दिशान भाई आपके चैनल के थ्रू है कि जो लोगों के पास जो तकनीर करते हैं ना लोग, मैं उनसे कहना चाहूंगा सर के आप तकनीर ना करें, कल कमेंट ना करें,
जब आप कुछ कर नहीं सकते तो मेहरबानी हमें तंग ना करें, क्योंकि एक हम तंग तो उन्होंने लोगों ने करना ही करना है, वो क्यों करना रिशान भाई, क्योंकि हमारे वजीर आजम को नहीं कोई छोड़ता, इसीलिए तो हमारे अमेरिका के दूसरे ममालक के जो सदर हैं वो बड़े बेहतर हैं। क्यों बेहतर हैं? कि हम उनकी सोच लगने लगे ना तो हमारा पाकिस्तान मैं कहना अमेरिका के बराबर हो जाएगा। अच्छा कश्यप, अगर कोई बंदा आपसे ये तीन मुर्गियां मशीन ब्रूडर ले जाता है, एक पैकेज ले जाता है, एतबार कैसे होगा, ट्रस्ट कैसे बिल्ड करेंगे लोगों का, ये जरा डिटेल दें। दिशांत भाई, हम कोई मतलब साल का एग्रीमेंट नहीं करेंगे, लाइफ टाइम का बिजनेस रखेंगे और एक गारंटी कार्ड बना के देंगे इनको, जिनके जिनके पास इनके पास ट्रायो का कार्ड होगा वो ही हमारे समझो कि ये देने के हकदार होंगे। मतलब एक एग्रीमेंट बन जाएगा। जी सर, जो हमसे नहीं भी ले ना जिन्होंने मुर्गियां वो भी उनको भी कार्ड हम बना के देंगे अपना, लेकिन उनको पाबंद ये करेंगे कि वो हमें चूजा देंगे। मतलब जैसे तो जिसके पास मुर्गी है खुद जी जी। वो आ जाए एग्रीमेंट कर ले। जी सर, वो भी कर सकता। जी सर, और ब्रोकरों से आप दूर हो जाएंगे, ब्रोकर बीच से निकल जाएंगे, जो ब्रोकर हमको भी प्रोवाइड करते थे चूजा बीच में करते थे वो भी निकल चुके हैं। अब आप चाह रहे हैं कि ब्रोकर हट जाएं, लोग डायरेक्टली आए? डायरेक्ट आए सर, महंगा बेचे मुझे मसला नहीं। नहीं सर, क्योंकि ये जो रेट में लगा लेना, ऐसे ऐसे कुछ लोग होंगे जिनको 2,000 रुपए का भी उठा रहे हैं, 2,100 का भी उठा रहे हैं, लेकिन हमने वो काम इस खत्म कर दिया ब्रोकरी का कि आप यही ब्रोकर आज मार्केट आप ऊपर लेके जाते हैं ना तो यही करते 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 आपका 5,000 तक चूदा चला जाएगा, यही ग्रेट अन की एक चीज मार्केट करता हूं। तो जब ये जब मार्केट में आगे बिकेगा ही नहीं तो कहां बेचेंगे आप? ठीक ठीक, जब मार्केट में हमने उठाना ही नहीं, एक उठ जाता है ना जब चीज, कि एक मार्केट में उड़ जाती है एक चीज तो वो कहां से फिर आगे कहां जाएगी? तो जब हम एक मतलब के लैंड में रखेंगे, इसके रेट के मुनासिब एक कंट्रोल रखेंगे, तो उस हिसाब से ये मार्केट हमेशा सालों साल क्या 1,000 जहां तक आप लेके जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। एक रूटीन में चलनी चाहिए मार्केट। हम ये ब्रोकरी के करते रहते हैं ना, और इधर से कोई ज्यादा रेट लगाता है, कोई 100-200 ऊपर करता है, वो इसी तरह मार्केट ऊपर हो जाता है। इसलिए हमने ये कहा है कि अपना जो मार्केट। बहुत बहुत शुक्रिया काशिप, बड़ा अच्छा पैकेज है उन लोगों के लिए जिनसे चूजा नहीं पलता, जिनका तजर्बा नहीं है, वो चूजे का रिस्क ना लें बल्कि ब्रीडर रख लें। जी जी।